यूपी के फर्रुखाबाद जिले में गंगा तट के पांचाल घाट पर चल रहे मेला रामनगरिया में पहुंचे बजरंग दल के संयोजक विनय कटियार ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी चीन के दलाल हैं, चीन से पैसा ले सकते हैं, उन पर दलाल के रूप में कार्रवाई होनी चाहिए। विनय कटियार ने कहा कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली। सीएए कानून राष्ट्रहित में लागू किया गया है। डीजल पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम के सवाल पर विनय कटियार ने कहा, डीजल पेट्रोल के दाम विदेश में महंगे हैं, इसलिए यहां महंगाई है। किसान आंदोलन पर हमला बोलते हुए भाजपा के फायर ब्रांड नेता रहे विनय कटियार ने कहा कि किसानों का धरना प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह किसानों को फाइनेंस कर रहे हैं, पीछे से किसानों का आंदोलन चला रहे हैं, वह जब तक बैठना चाहे बैठे रहे। उनकी सरकारें क्यों आएगी? कोई सरकार नहीं आने वाली है, गलतफहमी में है वो। और सीए जो लागू हुआ है वो देश के हित में है, पूरी तरह से हित में है। राहुल गांधी चीन के दलाल हैं और जब वो चीन से पैसा ले सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। उनको दलाली के रूप में उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, चूँकि विदेशों में जहाँ से डीजल लेते हैं वो भी तो महंगा हो गया है, जब वो महंगा हो गया तो यहाँ महंगा हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कारण जहाँ से आप सौदा ले रहे हो, अगर आप दुकान से सामान ले रहे हो वो महंगी हो गई तो पैसा आपको महंगा देना पड़ेगा। कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, हर जगह किसानों को लेकर महापंचायतें कर रही है, क्या इसकी? मेरा साफ कहना है, कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित ये धरना प्रदर्शन है और अरविंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब के वो सब फाइनेंस कर रहे हैं, वही इसको चला रहे हैं, पीछे से वो लगे हुए हैं, तो देखते हैं जब तक बैठना चाहे बैठे, क्या दिक्कत है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।